हाँ हाँ, वैसे भी कल मेरा लेक्चर 12:30 बजे तक खत्म हो रहा है, तो पक्का मिलते हैं। अच्छा चल रखती हूँ, दादा के फोन से बात कर रही हूँ। सुन ना ताई, कल चलेगी मेरे साथ? वहाँ पे कॉन्कॉर्ड मॉल में सेल लगी है, ड्रेस मटेरियल पे 20% की डिस्काउंट। रियली? अब 1 बजे मेरे ऑफिस में लंच टाइम होता है, 1:30 बजे मॉल में मिलते हैं डायरेक्टली। और वैशु, वहाँ पे मूवी थिएटर भी है, शॉपिंग के बाद मूवी देखने चले। वैशु चाहा, थैंक यू। ताई, हाँ ताई, मेरे लिए भी कॉफी ला दोगी प्लीज? आई डोंट नो, अच्छी मूवी होगी। और तुम वहाँ पे पहले से टिकट्स बुक कर लेना, बिकॉज वहाँ पे जाने के बाद हाउसफुल का झंझट, क्योंकि फिर टाइम पास होता है खाली। समय के साथ साथ हर किसी की जिंदगी बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। बस मेरी अर्चना, वो बरसों पहले जिस मोड़ पर खड़ी थी, उसी मोड़ पर आज भी खड़ी है। कैसी किस्मत पाई है तूने अर्जुन, इतना सब कुछ हुआ तेरे साथ, फिर भी चेहरे पर एक शिकन नहीं। शायद मेरी बेटी को अफसोस मनाने तक की फुर्सत नहीं। सिगरेट बुझा लो पापा, और इसी तरफ आ रही है। क्यों सिगरेट पीते हो बाबा? डॉक्टर ने मना किया है ना आपको? हाँ, मना तो किया है, ऐसे ही कभी कभी मन बहलाने के लिए पी लेता हूँ। मन तो बहल जाएगा, लेकिन सेहत का क्या? अच्छा चलो चलो, अभी खाना लग गया है, खाना खा लो। अर्चू बेटा, बेटा तुम मुझसे नाराज तो नहीं है? किस बात को लेकर बाबा? बेटा वो दिन में मेरे मुंह से कुछ बातें निकल गई थी ना तुम्हारे लिए, पर बेटा यकीन मानो मुझे भी तुम्हारी उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हारी आई को। पर क्या करूं, बाप हूं ना, दिल से नहीं सोच पाता। बाबा मैं समझ सकती हूं। बेटा मैं तेरी आई को कोई दोष नहीं देना चाहता, उसकी सोच गलत नहीं है, गलत है उसका रवैया। बेटा ये जरूरी तो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है या जो बहुत पढ़ा लिखा है वही अच्छा लड़का है तुम्हारे लिए। ये भी तो हो सकता है जो कम पढ़ा लिखा है या थोड़े कम पैसे वाला है वो तुम्हारे लिए योग्य वर हो सकता है कि उसके अंदर भी वो सारे गुण हों जो तुझमें हैं, और वो तुम्हें सारे सुख दे सके जो तुम्हें चाहिए। आप मुझसे क्या चाहते हैं बाबा? बेटा इस पूरे घर में केवल तू ही है जिसकी बात तेरी आई सुनती है और मानती है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम उसे समझाओ कि यह जरूरी नहीं है कि तुम्हारा राजकुमार किसी घोड़े पर बैठकर मलमल की चादर पर दौड़ता चला है। बेटा कई राजकुमार ऐसे होते हैं जो जमीन पर चलते हैं, उनके अंदर हिम्मत होती है, हौसला होता है आसमान को छूने का। हो सकता है भगवान ने तुम्हारे लिए कोई ऐसा ही लड़का ढूंढ रखा हो। अर्जुन तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ बाबा, लेकिन मैं ये बात आई से नहीं कह सकती। मगर क्यों? क्योंकि बाबा मैं आई का दिल नहीं दुखा सकती। मगर बेटा ऐसे तो तुम्हारी ही शादी। बाबा मैं आई की जिद के लिए जिंदगी भर कुंवारी रह सकती हूँ। एक वही तो है जो मेरे लिए सपने देखती है, मेरी खुशियां सोचती है। उसका जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है बाबा, कि वो मेरी शादी उसके मनपसंद लड़के से कराए। मैं उसका दिल नहीं दुखा सकती। वो मुझसे जब कहेगी, जिससे कहेगी, मैं उससे शादी कर लूंगी। आई की आंखों में बस इस सपने को पूरा करना मेरा सपना है। सहेली पराई हो गई। ऐसा क्यों कह रही हूँ? और नहीं तो क्या, शादी के बाद ना लड़की सिर्फ अपने पति की बनकर रह जाती है, उसके बाद सहेलियों का क्या है, हो तो ठीक ना हो तो ऑल राइट। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बस बस अर्चना कितना खिलाओगी? माधुरी बेटा बहुत अच्छा लगा तुम्हारी शादी की खबर सुनकर। थैंक यू, ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, आप सभी को जरूर आना है। कितनी छान पत्रिका है, इनके वो भी तो इतने अच्छे हैं। स्वाति अच्छा चलो अब हम चलते हैं, और भी कई जगह जाना है। जब मेरी अर्चू की शादी तय होगी मैं ऐसे ही कार्ड छपवाऊंगी, देखने वाले बस देखते ही रह जाएंगे। अर्चना की शादी में आप ऐसा ही कार्ड छपवाइएगा। हाँ शादी में जरूर आइएगा। आइए। अर्चू। हाँ मैं कुछ सोच रही थी। क्या? देख तू तो हर मंगलवार अष्टविनायक के दर्शन के लिए पैदल जाती है, कल चतुर्थी है ना, कल मैं भी चलूंगी तेरे साथ। नहीं आई। क्यों? क्योंकि इतनी दूर तो पैदल नहीं आ सकती मेरे साथ, और वैसे भी तेरी तबीयत इतनी खराब रहती है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान जी के दर्शन करने जा रही हो ना, कुछ नहीं होगा। तू खामखा चिंता कर रही है। नहीं आई, तू मेरे साथ नहीं आ सकती। अच्छा मेरी माँ, मैं ट्रेन से जाऊंगी, तुम पैदल चली आना, फिर वहाँ मिलकर साथ में दर्शन करेंगे। हो सकता है कि यही मेरी श्रद्धा रंग लाए और तुम्हारी शादी तय हो जाए। सॉरी सर। अरे अरे कहिए अपना सतीश तो नहीं? अगा चल। निर्मला जानती है उस लड़के को? हाँ जानती क्यों नहीं, उसकी अंधेरी वाली ननद है ना विमला, उसका एकलौता बेटा है सतीश। अरे सतीश नमस्ते आंटी। वो मालूम नहीं चला मुझे, ये ड्राम रखा था तो क्या करूं, अभी ऑफिस भी जाना है मुझे, लेट हो रहा है। और बहुत होनहार बेटा लड़का है वो, पुणे यूनिवर्सिटी से MBA किया है उसने, और वर्ली में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है उसमें मैनेजर के पोस्ट पे है। 35,000 की तो कम से कम सैलरी होगी उसकी, और फिर ऊपर से कंपनी का घर, कंपनी की गाड़ी। उसकी शादी हुई है क्या? विमला बोल रही थी इस साल वो सोच रहे है शादी की। लगता है भगवान मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। आज अंगारिका, आज के दिन अर्चना के हाथों का फूल बापा की मूर्ति पर गिरा और आज ही इतना अच्छा लड़का खुद बखुद चलता हुआ मेरे सामने आया। इतने सारे इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। पापा भी चाहते हैं कि अर्चु को कोई ऐसा ही लड़का मिले। तो शुक्र है कि मुझे मैकेनिक यहाँ मिल गया, वरना आज तो गाड़ी यहीं खड़ी करके मुझे वर्ली तक टैक्सी में जाना पड़ता। क्या हुआ? नहीं साहब, ये अब तो होना नहीं। आप इसे मेरे गैराज ले आइए, मैं वहीं ठीक कर दूँगा। कितनी खूबसूरत लग रही है इन दोनों की जोड़ी। अगर सचमुच रिश्ता बन जाए तो पापा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने मेरी बेटी को उसका जीवन साथी दे दिया है।